डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। अजमेर जेएलएन अस्पताल के संविदा नर्सिंग कर्मियों ने आज पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर के साथ ही जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य से मुलाकात की और उनसे सरकार के आदेश पर नियमित करने की मांग रखी गई। संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि सरकार ने 5 अगस्त को आदेश जारी किए थे कि जो भी नर्सिंग कर्मी संविदा पर जिस स्थान पर लगा है वहीं उसको नियमित किया जा रहा है, लेकिन अजमेर में इस तरह की प्रक्रिया में देरी की जा रही है और नर्सिंग कर्मियों को परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया और प्रशासन को जानकारी दी गई है। अगर फिर भी जल्द से जल्द नियमित नहीं किया जाता तो फिर संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। हमारे 5 तारीख को हमारे ऑर्डर निकले थे कि हमें यथास्थान रखते हैं, हमें 6 मेडिकल इनको ज्वाइनिंग के वो निकले थे। कल की जो तारीख उसमें वो 7 दिन का टाइम भी गुजर चुका है, आज 8वां दिन है। आज किसी की ज्वाइनिंग ना कोई डेट पड़ी है ना कुछ और। हम बार बार इन लोग जब हम प्रिंसिपल बाबुओं से मिलते हैं तो हमें एक ही बात सुनने में मिलता है कि आपका काम चल रहा है। अब हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया अदर कॉलेजों के अंदर काम हो चुका है, यहाँ पर जो लोग जिनका हो चुका है तो उनको ये बाहर निकालें, वो भी डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं निकालें, किसका हो चुका है, किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। तो सर हमें, और जब हमें बोलते हैं ड्यूटियाँ करो, हम जब ड्यूटियाँ करें कहाँ, क्योंकि मेट्रो ऑफिस में कहीं हमारे साइन नहीं हो रहे, कहीं हमारा प्रूफ नहीं है। हमें बोलते नहीं ड्यूटियाँ करो, ड्यूटियाँ तो हम कर ही रहे हैं, पर हमें कुछ तो प्रूफ दो ना। तो हमारे हम जब भी आते हैं हमें कोई गोलमाल जवाब मिलता है, अभी भी हम मिले थे हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। तो हमारी एक ही मांग है कि भाई हमें क्लियर तो करो मैटर क्या चल रहा है, जब अदर कॉलेज के अंदर अगर काम हो चुका तो अजमेर के अंदर क्यों नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं सर, कुछ क्या करें? लास्ट डेट निकल चुकी है, क्या कर सकते हैं हम? मेरे घर पे देखो, हमारे घर में प्रॉब्लम है इतनी सारी, हमारे को सुनने कोई तैयार नहीं है। आज अंदर अभी आप किससे मिले थे, कौन है जिनसे आप मिले थे अंदर? हमें अभी प्रिंसिपल सर से, हम सुबह यहाँ से मिलने के 8:30-9 बजे से हम बैठे थे। सर को टाइम नहीं है, सर बोलते नहीं जाके वार्डों में काम करो। अभी उनका कोई प्रोग्राम था, जब उनसे हम बाहर मिले तो जो जवाब दिया वो आप लोगों के सामने दिया था उन्होंने, तो वो जवाब उससे तो हम तो संतुष्ट नहीं है। हमारी यहाँ पे पदस्थापन सूची निकली थी, उसको निकले हुए 5 तारीख को आदेश निकल चुके, 6 तारीख से हमारी ज्वाइनिंग, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका, सब डॉक्यूमेंट यहाँ जमा हो चुके, लेकिन अभी तक हमारे किसी प्रकार के कोई साइन नहीं हुए। हम यहाँ उपस्थित हैं, अनुपस्थित है, क्या है कुछ पता नहीं। जब हम बोलते हैं यहाँ पे आते हैं, प्रिंसिपल सर से बात करने के लिए आते हैं तो सर बोलते हैं अंदर ही नहीं घुसने देते, बाहर से ही बोल देते हैं पीओ उनको कि है ना इनको बोलो वार्ड में जाके काम करें। जब हम हमारे नर्सिंग नेता के सामने ये बात रखते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि है, वो नेता था ही नहीं हमारे, जो जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, नर्सिंग के अध्यक्ष हैं, वो ऐसे कहते हैं वार्ड में जाके काम करो, वार्ड में जाके काम करो। अरे तो फिर आप नेता किस चीज़ के लिए हो, जब आप नर्सिंग की समस्या, नर्सेज की समस्या ही नहीं सुन सकते। आज उनको क्या पता कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं मिल रही, किस बेस पे मैं छुट्टी लेके जाऊँ जब मैंने साइन ही नहीं किए तो मैं, और साइन यहाँ हो नहीं रहे, और बार बार में एक ही बात बोली जाती है जाके वार्ड में काम करो। तो क्या आम नर्सेज ही है क्या वार्ड में जाके काम करने के लिए? नेता की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? यहाँ क्या काम चल रहा है हमें कुछ नहीं पता, रोज़ ये कह दिया जाता है हाँ काम चल रहा है, हाँ काम चल रहा है, डेट भी नहीं बताई जाती कौन सी डेट को काम खत्म होगा। सब जगह बीकानेर में, जयपुर में, सब जगह साइन हो चुके, SMS मेडिकल कॉलेज में साइन हो चुके, सिर्फ यहाँ जेएलएन अजमेर में साइन नहीं हो रहे।